अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की, पार्ट 73। सीधा स्टोरी से शुरू करेंगे। इधर जैसे ही नित्या कशिश के करीब जाती है, हमेशा की तरह कशिश की दिल की धड़कने काफ़ी हद से तेज़ हो जाती है, जिसे सुनते हुए नित्या एकदम से उठी। ओहो, मेरी करीब आते ही तुम्हारी दिल बोलने लगती है। जो कशिश थी वो भी एकदम से हंसते हुए जो नित्या की शोल्डर पे अपनी सर को टिकाते हुए बोलती कि अब ये तो होनी थी। नित्या भी एकदम से कशिश को टाइटली हक कर लेती है। दोनों लगभग 5 मिनट तक ऐसे रहते हैं, एकदम एक दूसरे को टाइटली वाली हक करके। लेकिन हक तो करती है, लेकिन कशिश की जो फेस थी वो नित्या की नेक साइड पे थी। इतनी टाइटली कस के वो कशिश को हक करी थी कि कशिश की सांसें थोड़ी सी बढ़ने लगती है, तेज़ होने लगती है। गहरे सांसें उसकी नेक तक जैसे आके पड़ती है, इधर जो नित्या है एकदम से उसे बहुत अजीब से वाले फीलिंग आ रहे थे, जैसे कि थोड़ी बहुत सेंसेशन वाली मूड में। और वो एकदम से क्या करती, थोड़ी सी पीछे होती है, कशिश की चिन से पकड़ती है। तो कशिश भी नित्या की ओर देखती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे। तभी नित्या एकदम से बिना कुछ बोले फटाक से उसकी होठों के ऊपर अपनी होठ रखती है और बड़ी स्मूथली उसकी लोअर लिप को वो एकदम से थोड़ी सी बस अपनी दांतों के साइड में फंसा के बस थोड़ी सी एकदम से बाइट करती है। और दूसरी ओर जो कशिश है वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है। नित्या उसके तुरंत बाद ही उसके अपर लिप को स्मूथली स्मूच करने लगती है। कशिश जैसे ही अपनी लिप को थोड़ी सी ओपन करती है तो नित्या कशिश की होठों में समा सी जाती है। बारीकियों से वो उसे किस कर रही थी और किस करते करते नित्या की हाथ कहाँ कहाँ जा रही थी नित्या को भी नहीं पता। उसकी हाथ एकदम से कशिश की चेस्ट साइड पे आती है और वो किस के दौरान ही उसके चेस्ट को एकदम से प्रेस करती है, जिसे कशिश फुल एक्टिव हो जाती है और उसकी फेवरेट जगह नित्या की कमर वहाँ पे अपनी हाथ को रखती है और कस के प्रेस करती है। बस नित्या भी एकदम से आह की एक आवाज़ निकलती होती है, क्या कर रही हो? कशिश एकदम से बोलती है, वैसे शुरुआत तो आपने की थी और अगर इतनी प्यार से हक करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे आप, हाउ कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ, ये बताइए। तो भी एकदम से नित्या हंसती है और वो अपना फॉरहेड कशिश की फॉरहेड के साथ लगाती है और एकदम से बोलती कि कशिश भी बोलती कि आई लव यू सो मच कशिश। कशिश भी एकदम से नित्या की फॉरहेड को एकदम से अपनी होठों से चूमती है और बोलती है आई लव यू टू सो मच। थोड़ी देर तक ये लोग ऐसे रहते हैं कि तभी नित्या को हो मतलब वो होती है कि ये लोग तो ऐसे वैसे कोई जगह पे है नहीं, कशिश की घर पे है, किसी भी वक्त कशिश की मोम आ सकती है। तो थोड़ी सी खुद को कंट्रोल करती है, बोलती कि वो पढ़ाई करें। पर नित्या खुद को कंट्रोल भी करेगी कैसे, इतनी करीब थी वो कशिश की कि वो खुद दूर भी नहीं हो पा रही थी। कशिश की जो महक थी वो भी उसे मदहोश कर रही थी, पागल कर रही थी। अब कशिश को ये समझ तो आ रही थी, पर वो भी क्या करेगी, इस वक्त इस ऐसे मूड पे आना बिल्कुल सही नहीं थी। तो थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बोलती है हाँ ठीक है। ये दोनों बैठते हैं और बैठ के पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। पढ़ाई करते करते जो नित्या है वो कशिश की ओर बस देख रही थी, कशिश की होठों के ओर बार बार उसकी नज़र जा रही थी। उसे मतलब वो जो क्रेविनेस हो रही थी कशिश को क्रिस करने की, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कशिश बात कर रही थी, पढ़ रही थी, लेकिन नित्या की नज़र कशिश की होठ तक जाके सिमट हो जाती है। वो जैसे जैसे अपनी होठों को यूज़ करके पढ़ाई कर रही थी कि नित्या की नज़र हटती ही नहीं है। और एकदम से वो क्योंकि करीब ही बैठे थे, उसकी
नेक को ग्रैब करती हुई अपनी ओर पुल करते हैं और उसे एकदम से वाइल्डली तरीके से किस करने लगते हैं। कशिश की भी तो हालत कई हद तक वैसी ही थी, लेकिन अगले ही पल एकदम से थोड़ी सी आहट जैसे ही होती कि कोई शायद आ रहा है कि कशिश पीछे हो जाती है और फटाक से अपनी होठों को ठीक कर लेती है। साथ साथ नित्या भी, नित्या की दिल की धड़कन काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी थी। और तभी वहाँ पे कशिश की मॉम आती है, वो थोड़ी बहुत चाय नाश्ता लेके और देती है और बोलती है कि ये लीजिए खा लीजिए। तो दोनों ही खाने लगते हैं और कशिश की मॉम वहाँ पे कुछ देर तक रुकती है और बातें वगैरह कर रही थी। तो नित्या भी कशिश की मॉम से थोड़ी बहुत बात कर रही थी और उसी दौरान उसकी माइंड भी डाइवर्ट हो जाती है। अभी जो ये लोग जिस सिचुएशन में थे वो कट जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सही भी थी। और इधर कशिश भी एकदम से सब कुछ खाते खाते उसको एकदम से अचानक से याद आती है कि उसको तो पूछनी थी नित्या से कि जब वो आ रही थी तो उसने कुछ समय के लिए ही देखी थी कि वो दृष्टि मैम और विजय सर बात कर रहे थे। और विजय सर जिस तरह से बात कर रहे थे, कशिश को पूछनी थी ये बात नित्या से। तो जैसे ही कशिश की मॉम चली जाती है, नित्या फिर से कशिश की ओर देखती है और एकदम से देखते बोलते कि वो आई एम सॉरी, वो मुझे कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो तभी कशिश बोलती कि इट्स ओके, इसके लिए सॉरी नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़ डोंट बी सॉरी। बोलती कि ओके, तो अब पढ़ाई करें? बोलती कि हाँ पढ़ाई तो करेंगे, पर मुझे आपसे ना कुछ पूछनी है। तभी नित्या बोलती कि हाँ हाँ बोलो कशिश, क्या पूछनी है? बोलती कि वो क्या है ना, वैसे तो आज जानवी गई नहीं थी तो मैं अकेले ही आई हूँ घर पे। बोलती कि हाँ मुझे पता है। हाँ तो मैं जब यूनिवर्सिटी से निकल रही थी तो मैं वापस गई थी, मुझे कुछ काम थी, उसी दौरान मैंने देखी कि आप दृष्टि मैम और विजय सर आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो जिस तरह से विजय सर बात कर रहे थे, हाँ देखा कि मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी। तो वैसे ये आप तीनों बात कर रहे थे और आप अकेले होते तो मैं पूछ लेती, पर वहाँ पे दृष्टि मैम भी थी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, आखिर क्या बात हो रही थी वहाँ पे। जैसे ही कशिश का ये पूछना, इधर नित्या एकदम से चुप हो जाती है। कशिश नोट करते हो कि कुछ हुआ है क्या जो मैं नहीं जानती हूँ, आप कुछ बोलना चाहती हो मुझसे? अब नित्या सोच में पड़ जाती है कि अगर वो ये चीज़ अभी कशिश को बताएगी तो उसका रिएक्शन क्या आएगी, क्या वो गुस्सा करेगी, पता नहीं क्या करेगी, या फिर वो नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत पहले से हो रही है, उस दिन से जिस दिन से टूर में गए थे ये लोग, और उस दिन के बाद से तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, उसने तो कशिश को कुछ नहीं बताई। जैसे ये सोचती वो साइलेंट मोड पे चली जाती है। इधर कशिश सारी चीज़ नोट करती है। एकदम से कशिश नित्या की हाथ पकड़ती है और बोलती कि मैं आपको जज ना कभी भी नहीं करूँगी, बेफिक्र होके आप मुझे हर एक चीज़ बता सकती हो। अगर आपको लगे कि ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए तो बताओ, और अगर नहीं बतानी, तभी एकदम से नित्या बोलती कि नहीं कशिश, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ये चीज़ कुछ दिन पहले हुई थी तो मैंने उस वक्त तुम्हें बताना चाहती तो थी, पर पता नहीं शायद वो सिचुएशन ही पैदा नहीं हुई थी कि मैं तुम्हें कुछ बताऊँ। तो एकदम से कशिश बोलती कि हाँ तो इट्स टोटली फाइन, अगर तब नहीं बता पाई तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ मजबूरी हुई होगी आपकी कि आपने मुझे बता नहीं पाई, पर अगर अभी भी वो कुछ सिचुएशन है तो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी। जिस तरह से कशिश बात करती रही है, नित्या बस एक टक कशिश को देख रही थी और वो एकदम से बोलती कि वो एक्चुअली कशिश मुझे विजय सर ने प्रपोज़ करे है। जैसे ये बोलती है कशिश एकदम से चुप हो जाती है, वो नित्या की ओर एक टक देखने लगती है। नित्या एकदम से बोलने लगती है कि जिस दिन से हमने टूर करे थे ना, उसके बाद से ही विजय सर, पता नहीं उनके देखने के तरीका और बात करने के तरीका चेंज हो चुके थे। और एक दिन उन्होंने वो कॉफ़ी के लिए बोले थे तो मैं और दृष्टि मैम गई थी। जैसे ये सुनती है, कशिश की जो हाथ पकड़ी हुई थी
वो एकदम से थोड़ी सी हटाने लगती तो नित्या पकड़ लेती है, बोलती कि क्या पूरी बात तो सुनो। कशिश बोलती कि डोंट वरी, मुझे पानी पीनी है। क्या आप डर रही हो, इसके बाद क्या हुआ वो बोलो। तो कशिश एकदम से साइड में से बॉटल लेती है, थोड़ी सी पानी पीती है। नित्या यहाँ पे बोलने लगती है कि वो उस दिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट करी थी, कशिश आई स्वयं मुझे जानी नहीं थी। वो दृष्टि मैम ने एकदम से बोली कि ठीक है चलते हैं, एक कप कॉफ़ी तो पीनी है। तो जो यूनिवर्सिटी के पीछे के एरिया पे वहाँ पे एक अच्छे रेस्टोरेंट थे, कॉफ़ी बार थे, हम वहाँ पे गए, कॉफ़ी पिए। और उसी दौरान उन्होंने बोल दिए कि वो मुझे पसंद करते हैं और नॉर्मल रिलेशनशिप में आना आने नहीं चाहते हैं, पर हाँ वो मुझसे डायरेक्ट शादी करना चाहते हैं। और आज तो हद हो गई, क्योंकि वो जब टूर पे थे मेरी एक बिना परमिशन के मुझसे मेरी ही पिक लेके वो उन्होंने अपनी फैमिली से बात वगैरह करे हैं, तो उनके फैमिली के सारे लोग मुझे बहुत पसंद कर लिए हैं। अब उनका ये कहना है कि अगर मैं चाहूँ तो अपने फैमिली से बात करूँ। कशिश मैंने डायरेक्टली मना कर दिए थे उनको, पर फिर भी ये सुन नहीं रहे हैं, और बस बार बार बस एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर वक्त चाहिए तो ले सकती हो। वो तो ना नित्या बात करते करते ऐसा लग रही थी कि शायद कशिश को बुरी लगी ये सारी बातें, वो प्रॉपर बोल ही नहीं रही थी और अपनी नज़रों को चुरा के से बोल रही थी। तभी जो कशिश है पानी की बोतल को एकदम से साइड में रखती है, अपनी चेयर को वो थोड़ी सी और खिसकती है नित्या के पास, और बड़ी ही प्यार से वो नित्या की फेस को होल्ड करती है, उसकी चिन को पकड़ते हुए और थोड़ी सी ऊपर की ओर करते हुए कशिश अपनी ओर लाती है। बोलती कि सुनिए, ऐसे नज़रे ऐसा कुछ किए ही नहीं है आपने जिसके लिए आपको नज़रें चुराने पड़े। हाँ आपने तो अपने हिसाब से मना कर दिया ना, बात तो वहीं पे ख़त्म। और अगर इसके बावजूद भी विजय सर आपके पीछे पड़ा रहता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी थोड़ी ना है। ये सब बताते हुए आप नज़रें क्यों चुरा रही हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं। और अगर आपको ये लग रही है कि मुझे बुरी लग रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो अगर मैं सच कहूँ ना तो हाँ थोड़ी सी लग रही है, बिकॉज़ आई लव यू अ लॉट। आपके आसपास भी किसी को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और अगर ये तब बुरी लगती जहाँ पे आप भी आपके साइड से भी कुछ होते, पर आपके साइड से तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जो विजय सर है कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं आपके ऊपर गुस्सा कैसे कर सकती हूँ। हाँ मुझे गुस्सा आ रही है, पर वो विजय सर के ऊपर आ रहा है। अगर वो प्रोफेसर हो गए, उनकी बर्ताव अगर ऐसे हो तो क्या कर सकते हैं हम। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है तो क्या मैं विजय सर से बात कर सकती हूँ। तभी एकदम से नीता बोलती है, क्या तुम क्या बात करोगी, और तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम बात करोगे अलग तरीके से तो विजय सर को इस बात के आभास नहीं होंगे कि हम दोनों में कुछ ज़्यादा ही गहरे रिश्ते हैं। तभी एकदम से खुशी बोलती है कि बात तो सही है, पर आपको नहीं लगता कि उस इंसान को अगर आपने एक बार मना कर दिया है उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो पता नहीं उनके कुछ और इंटेंशन हो सकता है। नित्या वो बोलती कि हाँ हो सकता है शायद, तो आप क्या कर सकते हैं हम, तो आपने मना कर दिया ना। बोलती कि हाँ। बोलती कि बस और क्या, अब से उनको इग्नोर करें। बोलती कि पर तुम्हें बुरी तो नहीं लगी। तभी एकदम से कशिश बोलती कि बोली तो है, देखो कभी कभार ये सोचती हूँ कि मैं जिसे चाहती हूँ उसे चाहने वाले तो कई हज़ार हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद के लिए चूज़ तो किया है एक नया आपको, उसी तरह से मैंने आपको चूज़ करी है, तो आपको बहुत सारे लोग चाह सकते हैं। और बताया आप तो फेवरेट टीचर भी हो यहाँ के, कितने लड़के आपके लिए मरते हैं यहाँ पे। अरे हमारे खुद के क्लास के तो 3-4 लोग बस आपकी आते ही मस्त मौला बन के वो लोग बस आपको एकटक देखते रहते हैं। हाँ थोड़ी बहुत मुझे ये चीज़ चुभती है, पर अगले पल मैं ये सोचती हूँ कि कितने लकी हूँ मैं कि जिसको चाहते हैं कितने सारे लोग और वो शख्स केवल मुझे चाहती है।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जब जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना, मेरी सारी गुस्सा, मेरी वो सारे जो चुभ रहे हैं, वो सारे एक भी पल में ख़त्म हो जाते हैं। एंड आई फील ब्लेस। आज कशिश की बातों में कुछ तो अलग चीज़ थी जो नित्या नोट करती है। आज उसकी बातों में एक मैच्योरपन थी और वो एकदम से कशिश की फेस के ऊपर हाथ रख के सहलाती है और बोलती कि ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी तुमसे। मुझे लगा कि तुम गुस्सा करोगी, मुझ पे चिल्लाओगी कि पहले क्यों नहीं बताई जैसे कि मैं चिल्लाती थी। तब एकदम से कशिश जो है उसकी हाथ को पकड़ती है और उस हाथों में किस करती है, बोलती कि आपका हक है मुझ पर चिल्लाना, और एक तरीके से देखा जाए तो आप मेरे प्रोफेसर भी हो, तो आप पूरी तरह से मेरे ऊपर हुक्म चला सकते हो, पर ये मौका केवल आप ही भी के पास है। तभी जो नित्या है वो हंसती है और वो एकदम से कशिश की फॉरहेड पे किस करती है, बोलती कि आई लव यू अ लॉट। कशिश भी बोलती कि लव यू टू, और इस बात के लिए इतना टेंशन मत लीजिए। और विजय सर का देखते हैं। तभी जो है नित्या हंस पड़ती है और नित्या एकदम से पूछती है, अच्छा ये बताओ कि तुम जानवी के घर क्यों गई थी। तभी वो बोलती है, वो आई एम सॉरी, वो मैंने आपसे बोली नहीं कि मैं जानवी के घर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मासी ने वो मंथली चेकअप वगैरह कराए थे तो इसीलिए वो गई नहीं। तो और वो बार बार जिद कर रही थी कि ख़त्म होने से बाद ही मैं उसके उससे मिलने जाऊँ और आपको बताना भूल गए, वैसे भी मैं जैसे ही आप पढ़ा लोगी मैं उसी के घर में जा रही हूँ। तो एकदम से नित्या होती है, ओके कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन, वैसे वो अब ठीक है। देखिए हाँ वो ठीक तो है, पता नहीं बड़ी अजीब सी हरकतें वो करती है, बोलती कि अब क्या कर दिया उसने। तो कशिश जो है वो कुछ कुछ चीज़ें बताती, तो नित्या हंसती है और बोलती कि वैसे कशिश कुछ तो बात है, मतलब मैंने भी कुछ चीज़ें नोट करी है उस दिन से, टूर के बाद से तुम्हें नहीं लगता कि बरखा के बर्ताव बदल गए हैं, कुछ हुए हैं क्या। अब जैसे ये पूछती है जो कशिश है वो चुप हो जाती है। एक्चुअली उसने तो कशिश नित्या को वो बताया ही नहीं कि जानवी ने क्या करी है उस दिन बरखा के साथ, मौका ही नहीं आई थी। और कहीं ना कहीं शायद कशिश ये सोच रही थी कि ये मैटर जानवी की है, वो अपनी चीज़ें नित्या को हर एक चीज़ बता सकती है, पर जानवी के बारे में कैसे बता सकती है, जानवी की पर्सनल लाइफ के बारे में। ये सोचते हुए वो चुप हो जाती है और बोलती कि हाँ एक्चुअली कुछ चीज़ें हुई थी और उसी दिन से, तो नित्या भी इतनी अंडरस्टैंडिंग पर्सन तो थी कि वो समझ जाती है। बोलती अच्छा देखते हैं, पर इन दोनों लड़ते भी बहुत और अच्छे भी लगते थे। बोलती कि सब लोग एक ही बातें करते हैं, पता है मासी जी ने भी यही बोले हैं कि बहुत जल्द ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। तभी एकदम से जो नित्या है बोलती कि हाँ वो तो अब देखते हैं, अब हम पढ़ाई करें। बोलती कि तो ये दोनों जो है नित्या है वो कशिश को पढ़ाने लगती है। देखते देखते उसका वक्त ख़त्म हो जाती है और जैसे ही ख़त्म होती है वो एकदम से कशिश को बोलती कि चलो अब हम चलते हैं, कल मिलते हैं। बोलती कि हाँ अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ मैं अभी जानवी के वहाँ पे जा रही हूँ। वो बोलती कि हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर ये बोलते हुए नीता वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में कशिश जो है वो शावर वगैरह ले लेती है, क्योंकि वो ले ही नहीं थी, तो लेती है, रेडी होती है और एकदम से अपनी मॉम को बोल के वो चली जाती है जानवी के वहाँ पे। और जानवी उसे ये तो पक्का पता थी कि अगर उसने कही है कशिश को कि आएगी, और अगर कशिश ने कही है कि वो आएगी तो मतलब आएगी, तो बेसब्री से अपनी बहन की इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही कशिश पहुंचती है तो जानवी बोलती कि हाय है मुझे पता थी तू ज़रूर आएगी। बोलती हाँ हाँ बस बस मैंने बोली थी कि आऊँगी। तो बोलती आई नो कशिश, अगर एक बार बोल दे कि वो आएगी तो मतलब आएगी ही, ये तो पता है। बोलती कि हाँ ठीक है, अब तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बोलती कि तू आ गई तो मेरी तबीयत को क्या हो सकता है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ मैं, चल ठीक है। थोड़ी बहुत जो कशिश है वो जानवी से नॉर्मल बात वगैरह कर रही थी, तो एकदम से कशिश की जो मासी थी यानी
जो जानवी की मॉम थे कुछ खाने वगैरह की चीज़ ले आती है, और कशिश भी घर जाके तो कुछ खाई नहीं थी, बस नित्या के साथ थोड़ी बहुत नाश्ता चाय नाश्ता करी थी, तो वो एकदम से जानवी के साथ बैठ के खाना वगैरह खा रही थी। और तभी उसके फ़ोन में कॉल आती है नित्या की। नित्या घर पहुंच के वो कॉल करी है तो एकदम से कशिश रिसीव करती है, बोलती कि जी वो आप पहुंच गई। बोलती हाँ कशिश मैं पहुंच गई, जानवी ठीक है ना? बोलती कि हाँ हाँ वो ठीक है। बोलती चलो ठीक है, अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, मैं फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ। तभी कशिश बोलती कि हाँ और आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए एंड डोंट वरी, ये बोल लेती है तो एकदम से कॉल कट करती है। जानवी एकदम से बोलती कि किस बात की टेंशन? कशिश बोलती कि कुछ नहीं। जानवी बोलती कि नहीं कुछ तो है, चल बता। तभी कशिश बोलती कि वो विजय सर। कि विजय सर, ये विजय सर कहाँ से आ गया? बोलती कि आ तो गए मतलब। तो जानवी को कशिश पूरी बात बताती है, तो जानवी बोलती कि भाई साहब मतलब क्या एक प्रॉब्लम ख़त्म होते नहीं कि दूसरे प्रॉब्लम आके एकदम से दरवाजे पे खटखटा रहते हैं, ये क्या चीज़ है? तो भी बोलती कि कोई ना क्या चीज़ है, अब ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ थोड़ी ना है। तभी एकदम से जानवी बोलती कि जिस तरह से तूने बताई है मैम, सीधा मना कर दिया है, पर उसके बाद भी ये पीछे पड़ा है तो कुछ तो होगा, सोच ना तू। तभी कशिश बोलती कि मुझे इतना नहीं सोचनी है, मुझे बस इतना पता है कि मैम मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी बहुत करती हूँ, और हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकते हैं, कोई भी नहीं। तभी एकदम से जानवी बोलती है हाँ हाँ ये अच्छी बात है। खैर वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें वगैरह होते हैं, बात करते करते बहुत लेट हो जाती है, तो जानवी बोलती है कि रुक जाना मेरे पास। तो बोलती कि क्या तो रुक जाओ मेरे पास, मैंने कपड़े वगैरह ले। तो बोलती कि हम दोनों एक ही कपड़े पहन सकते हैं। बोलती कि नहीं पहन सकते हैं, और ऊपर से मैं बैग वगैरह नहीं लाई हूँ जानवी, जिद मत कर। तो जानवी को बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है, यही प्यार है तेरे लिए, तेरी मेरे लिए, तू नहीं करती प्यार मैं जितनी करती हूँ। तो एकदम से कशिश हंसती है, बोलती कि ये तो बच्चों जैसी हरकतें करती है ना, बड़ी वाहियात दिखती है तू। बोलती कि क्या वाहियात देखती हूँ, बड़ी क्यूट देखती हूँ मैं, मेरी जैसी क्यूट बच्ची तुझे दिखेगी क्या? वो बोलती कि अच्छा तू खुद को बच्ची बोल रही है? वो बोलती कि नहीं मतलब हाँ बच्ची तो हूँ नहीं यार, पर क्या करे बच्चे बने रहने में ना अलग ही मज़े है। बोलती कि हाँ तू ले मज़े तू, अब मैं जाऊँ? बोलती कि हाँ हाँ मजाक ही कर रही थी, तो चल जा मैं आती हूँ ना सुबह तुझे लेने के लिए। वो बोलती कि देख अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो ना तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझ ले पहले। देखिए भाई यार तू, बोलती कोई परवाह नहीं, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मत आइयो करो। बोलती कि अरे मैं ठीक हूँ मुझे कुछ ना हुई है, ये बोलते हुए वो कशिश को बाय बोलती है। कशिश वहाँ से अपने ही घर आती है, घर आते हुए अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बात करती है, और ये बोल देती है कि कुछ खाएगी नहीं, खा के आई है। कमरे में जाती है, और कमरे में जाके वो नीता से थोड़ी देर बात वगैरह करके वो कब सो जाती है उसे पता नहीं। सुबह होती है, सुबह वो थोड़ी सी लेट उठती है, और इधर हमारी जानवी जी वो आज एकदम से जल्दी जल्दी उठ के बनठन के पूरी तरह से तैयार थी। उसके मॉम एकदम से उसे देख के काफ़ी शौक थे, बोलती हर रोज़ तुम्हें चिल्लाते चिल्लाते उठा नहीं पाती मैं, आज तुमने खुद ही उठ गए, वाह बेटा क्या हुआ नींद से दुश्मनी हो गई है क्या? बोलती मॉम आप फिर से शुरू मत हो जाओ। ना ना वो वाले बात है ना, तुम तो नींद से बहुत प्यार करती हो कि उसके बिना तुम रह ही नहीं पाती हो, तो आज कुर्बान कैसे कर दी, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मम्मा जल्दी नहीं उठे, मुझे यूनिवर्सिटी भी तो जानी है और कशिश के पास भी तो जानी है उसको लेके। बोलती कि हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, अब ब्रेकफास्ट करोगी कि वहाँ पे जाके करोगी? बोलती नहीं मम्मा यहाँ से थोड़ी कर लूँगी, मासी के हाथ से थोड़ी कर लेंगे तो पेट फुल। ये अच्छा है तुम्हारा, मतलब यहाँ से भी खानी है वहाँ से भी खानी है। बोलती कि देखो माँ मेरे पास दो दो माँ हैं, एक आप और एक मासी, तो जब मैं मेरे पास दो माँ हैं तो दोनों के हाथ से ही खाना खानी चाहिए ना, मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ज़ाया क्यों करूँ खामोखा। तो उसकी मोम हंसती है और बोलती कि तुम बड़ी बदमाश बनती जा रही हो, चलो आ जाओ ये लोग खाते हैं। जो जानवी है वो अपने पापा से भी थोड़ी बहुत बात वगैरह करते, तो उसके पापा बोलते कि वैसे आगे क्या सोचा है, क्या करोगे पढ़ाई? वैसे भी ये सेमेस्टर ख़त्म हो जाए तो तभी वो एकदम से जो जानवी बोलती है कि पापा पहले सेमेस्टर ख़त्म होने दो। तो
बात की बात में सोचेंगे ना, इतना सोच सोच के थोड़ी ना कर सकते हैं चीज़ों को। देखते हैं तो उसके पापा बोलते कि मैं तो अभी से कह रहा हूँ कि तुम मेरे बिजनेस हैंडल करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें सीख जाओ अपनी मॉम से, ऑफिस चलो मेरे साथ। तभी एकदम से जो जानवी बोलती कि पापा क्या अभी, मतलब जिस तरह से आप बोल रहे हो ना वो तो मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं लड़का हूँ। तभी उसके मम्मी बोलती कि बेटा लड़का और लड़की में हम अंतर थोड़ी ना करेंगे, तुम ही हमारे लिए लड़के हो और बिजनेस संभालने वाली बात है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि खुशी होगी कि हमारी बेटी अपनी ही कुछ चीज़ों में हमारी मदद कर रहे हैं। तो कभी तुम अपने ख्याल में भी ये मत लाना कि तुम लड़का नहीं हो, तुम हो, हमारे लिए सब कुछ हो। तभी एकदम से जानवी जो है अपनी मम्मी पापा को हक करते हैं, बोलती कि हाय मैं कितनी लकी हूँ ना, वैसे तो दुनिया में ऐसे बेहद सारे लोग हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा, कि लड़के और लड़कियों में बहुत अंतर करते हैं। तभी एकदम से जानवी की पापा बोलते हैं वैसे भी ना तुम जिस सिचुएशन में पैदा हुए थे ना हमारे लिए लड़के ही थे। बोलती कि अच्छा ऐसा है क्या? होती कि हाँ डॉक्टर ने बोल दिए थे कि लड़का होंगे लड़का होंगे, फिर पता नहीं कि तो बोलती अच्छा क्या मतलब क्या है, जेंडर चेंज करके आ गई क्या मैं? तो उसकी मम्मी हंसती है और बोलती कि बस भी करो तुम। फिर ये लोग बात वगैरह ख़त्म करके जो जानवी है वो एकदम से अपनी मम्मी पापा को बाय बोल के वो चली जाती है कशिश के घर। कशिश लेट उठी थी और उठ के बस फ्रेश होके तैयारी हो रही थी कि जानवी जाती है उसके कमरे में और एकदम से हक करते हुए बोलते कि गुड मॉर्निंग। देखिए अरे आराम से क्या करती है तू, डरा दी तूने मुझे। अच्छा डरा दिया, अब इसी पोजीशन में अगर मैं माँ के हक करती ना तो मज़ा ही आ जाती तुझे। तो भी एकदम से वो घूमती है और उसके शोल्डर पे मारती है, बोलती कि तेरे मुंह पे कोई लगाम नहीं है क्या, मतलब एकदम से। तभी बोलती कि तो क्या मैं पकड़ नहीं सकती, मैम पकड़ सकती है, भाई ये भेदभाव पता नहीं कब ख़त्म होगी। बोलती कि दोनों की जगह अलग है। बोलती ना ना हम समझ रहे, एक की जगह दिल में और मेरी जगह कहाँ है। बोलती कि पागल इंसान, तेरी जगह वह भी दिल में ही है पर उनकी बात अलग है यार, अब मैं उनके साथ जो कर सकती हूँ तेरे साथ। तभी वो एकदम से जानवी बोलती कि छी, मैं ऐसी तो बात कर ही नहीं रही थी। तभी कशिश हंसते हुए बोलती ना ना तू कर ना, जब तक तेरी मुंह बंद ना होगी तू मुझे परेशान करती रहेगी, अब बोल। तभी एकदम से जानवी बोलती कि देख ऐसे ऐसे सिचुएशन में ना डाल मुझे, तू मेरी सिस्टर है सिस्टर रहेगी। तभी एकदम से कशिश बोलती कि तू मेरी बहन है और बहन ही रहेगी, ज़्यादा मत सोच तू। थोड़ी बहुत इन दोनों में मस्ती मजाक चीज़ें ही चल रहे थे। फिर जैसे कि जानवी ने कही थी कि थोड़ी सी ब्रेकफास्ट वो यहाँ से करेगी तो करती है। और वापसी में ये लोग पहुँचते हैं यूनिवर्सिटी, और जैसे ही यूनिवर्सिटी में पहुँचते तो जानवी एकदम से बोल पड़ती कि हाय ऐसे लग रही है कि मेरी जान में जान आ गई। तो भी कशिश बोलती कि हाँ हाँ समझ रहे हैं हम, अब उतर भी। तो वो स्कूटी को पार्क करके जैसे ही एकदम से साइड से गुजरी की कि तभी एकदम से वहाँ पे जो है बरखा की कार आती है, और बरखा जिस एटीट्यूड से उतरती है और एकदम से जानवी के सामने खड़ी होती है, क्योंकि उसके साइड से ही वो अपनी कार लेके जाती है। जानवी एकदम से बोलती कि देख देख पूरी पार्किंग साइड पे इतना सारे जगह भरे पड़े हैं और इसको मेरी करीब आनी थी मेरे साइड में। तभी एकदम से खुशी बोलती कि तू ध्यान दे, हर वक्त वो इसी जगह पे अपनी कार को पार्क करती है, तू कुछ ज़्यादा ही सोचती है ऐसा है क्या? तो चुप हो जाती है। और इधर जो बरखा है कार से उतरते ही वो एक बार जानवी को देखती है सर से लेकर पाँव तक, जैसे बोलते हैं ना पूरी तरह से निहारना, वो पूरी तरह से देख के एकदम से साइड में जाने ही लगती है। तो एकदम से जानवी बोलती कि हाँ देख लिया, ताड़ लिया अच्छे से सर से लेकर पाँव तक, लगा दिए नज़र मेरे ऊपर, अच्छे खासे तबीयत वगैरह ठीक होके आई थी कि लग गई ना तुम्हारी नज़र, इस तरह से देखी हो ना तो पक्का मुझे फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी एकदम से जो बरखा है वो पलटते हुए जानवी को घूर के देखता है, बोलती कि एक्सक्यूज़ मी। देखिए हाँ एक्सक्यूज़, बोलो इस तरह से ताड़ के गई हो मतलब क्या है? तुम्हें झगड़ा ही करना है मेरे साथ सुबह सुबह, मेरा मूड नहीं है। तभी एकदम से जो जानवी है बोलती कि हाँ जैसे कि मेरी मूड बनी रहती है तुमसे झगड़ने के लिए, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने की या हमारी शक्ल को। तो बोलती कि हाँ हाँ मेरी शक्ल तो बेहद ख़राब है, दिखने के लायक नहीं है, मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ यही है ना।
तो एकदम से जाह्नवी बोलती कि हाय मेरे मन की बात कैसे बोल लिए तुमने। तो एकदम से कशिश बोलती कि यार तुम दोनों फिर से मत शुरू हो जाओ। और तभी जो बरखा है वो बोलती कि सुनो, मैं वो हूँ कि मुझे देखने के लिए लोग तरसते हैं। तभी एकदम से जो है जाह्नवी बोलती गलत फहमी है तुम्हें, लोग तुम्हें इसीलिए नहीं तरसते कि तुम खूबसूरत हो। तभी एकदम से जो बरखा है वो बोलती कि अच्छा, तो इनडायरेक्टली तुम मुझे खूबसूरत ही बोल रही हो ना। आज बरखा की टोन अलग थी, लड़ तो जान भी रही थी, बरखा लड़ नहीं रही है पर वो जवाब तो दे रही थी, पर उसका जवाब देने का तरीका अलग थी। तो एकदम से जानवी चुप हो जाती है और जो बरखा है बोलती है कि बाय द वे आई होप कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक है, अब तुम मुझसे प्रॉपर लड़ सकती हो, मैं भी प्रिपेयर हूँ, तो सी यू सून, अब हम जा रहे हैं क्लास में, तुम्हें जाना है तो आ जाओ और नहीं आना है तो जो मन चाहे वो करो, हम बाय द वे गुड मॉर्निंग। ये बोलते हुए जो बरखा है वो एकदम से चली जाती है। इधर जानवी एकदम से कशिश की ओर देखे बोलती कि ये इसकी टोन अलग नहीं हो गई। कशिश बोलती कि मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना इसके बारे में सोचती हूँ कि ये कब टोन चेंज करके मुझे पता चलेगी। तो बोलती कि क्या मतलब मैं सोचती हूँ, मे भी। ये बोलते हुए ये लोग क्लासरूम जाती है, इनके लेक्चर वगैरह शुरू होने लगते हैं और सब जो है जानवी से पूछ ही रहे थे कि अरे तुम ठीक हो एवे मतलब वगैरह वगैरह। तो जानवी भी बोल रही थी कि हाँ मैं सब कुछ बढ़िया हूँ एकदम से। अरे यार इतनी भी प्यार मत निछावर करो मेरे ऊपर, मुझे शर्म आ रहा है। तभी सब बोलते यार तुम कितने ड्रामेबाज हो ना। तो ये लोग तो लेक्चर वगैरह ले रहे थे, लेक्चर लेते लेते जो नित्या की क्लास थी वो भी आती है, तो नित्या थोड़ी सी टेंस दिख रही थी, पता नहीं क्यों। कशिश नोट तो करती है पर ये वो सिचुएशन तो थी नहीं कि नित्या से पूछे कि परेशान लग रही हो, तो पूछ भी नहीं पा रही थी, पर हाँ नोट ज़रूर कर ली थी। और नित्या अपनी भी क्लासेस वगैरह प्रॉपर लेके वो चली भी जाती है। और जो थर्ड लेक्चर थे वो फ्री थे, तो सब बैठे हुए थे आपस में बात कर रहे थे। कशिश जो है वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, बरखा अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तभी वहाँ पे स्नेहा आती है, जैसे ही स्नेहा आती है और वो आती सीधा जाह्नवी के सामने खड़ी हो जाती है, और ये देख के जो है बरखा को अच्छी नहीं लग रही कि ये फिर से आ गई। तो बरखा जो है स्नेहा को इतनी घूर के देख रही थी, तो स्नेहा भी एकदम से बरखा की ओर देखती है और वो देखते ही डर जाती है। तो थोड़ी सी दूर वो डिस्टेंस में खड़ी हो जाती है और एकदम से पूछती है वो कैसी हो तुम। तभी जो है जाह्नवी एकदम से उसके ऊपर देखते हो उसकी ओर नज़र उठाती है और देखती है कि स्नेहा है, और वो बोलती है कैसी हूँ का क्या मतलब है, जिंदा हूँ। तभी एकदम से बोलती है यार ऐसे तो मत बोलो, तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम कल आई नहीं थी, तो थोड़ी सी फिक्र भी हो रही थी। बोली अच्छा तुम्हें मेरे लिए फिक्र भी होती है यार, सुन के मुझे थोड़ी सी शॉक लगी, क्योंकि लोगों के डराने से तो तुम तो डर गई, और दोस्ती भी तो होती यार, मैंने तो दोस्ती तो नहीं तोड़ी। बोली अच्छा आगे से ना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, बरखा बहुत खतरनाक है, ये बात बोली थी ना तुम। तो स्नेहा चुप हो जाती है, तो एकदम से जानवी बोलती कि मुझे डरपोक लोग पसंद नहीं है, इससे बेहतर है कि तुम मुझसे बात ना ही करो, और अगर डरते हो लोगों से तो डरते रहो, मुझे क्या है, मुझे किसी से कोई फर्क पड़ती ही नहीं। स्नेहा को थोड़ी बुरी लगती है तो वो चुप से चली जाती है। और इधर बरखा बोलती कि इतनी हिम्मत, जब मैंने मना करी है तब भी ये पूछने के लिए आ गई। तो उसके दोस्त बोलते कि अब उसे ऐसे घूर के मत देख कि जैसे कि खा जाएगी तू। और वहाँ पे वो जो एक लड़का था जो हमेशा से नित्या को कोई ना कोई कमेंट पास करता, वो एकदम से खड़ा होता है और बोलते कि सुनो सुनो एक अनाउंसमेंट करना है। तो एकदम से सब बोल पड़ते हैं कि क्या अनाउंसमेंट है। तो वो लड़का बोलती कि अरे यार मेरे बहन का बर्थडे है तो कल सब, तो बोलती कि कल, बोलती अरे यार मैं भी ना आज शाम को ना पार्टी है मेरे घर पे तो सारे के सारे आनी है मेरे घर पे। बोलती कि अच्छा और तेरे घर पे पार्टी, हम सब जाएंगे। बोलती कि हाँ यार अब तुम लोग नहीं जाओगे तो कौन जाएंगे, और मेरे बहन यार छोटी है, वो बस 12 साल की है, उसकी बर्थडे है, आओगे ना सारे, यार तुम लोग ही तो दोस्त हो मेरे। तो क्रिश भी एकदम से बोलती कि मैं नहीं आऊँगा।
तभी एकदम से जो वो लड़का है बोलते कि कोई बात नहीं क्रिश, अगर तुम नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, बट तुम लोग सारे तो आओगे ना। अब जैसे ही क्रिश मना करते हैं, जाह्नवी एकदम से फटाक से खड़ी हो जाती है, बोलती है हाँ हाँ यार, अरे तेरी बहन की बर्थडे है, हम आएंगे तो नहीं, कौन आएंगे, ज़रूर आएंगे, मैं और कशिश तो आ जाऊँगी, डोंट वरी। वैसे पार्टी कितने बजे है? तभी बोलती है यार 7 बजे। तभी एकदम से जो बरखा है वो भी बोल पाती है ठीक है आ जाएंगे। जाह्नवी एकदम से घूर के बरखा की ओर देखती है और मन ही मन बोलती है कि लो भाई इसको मुझे यहाँ पे भी फॉलो करनी है। तभी बरखा जवाब देती है इतना भी मत सोचना मेरे बारे में, मैं तुम्हें कोई फॉलो वगैरह कर नहीं रही हूँ, मुझे भी पार्टी में जानी है। तभी एकदम से जो, क्योंकि जाह्नवी ने ये बात तो बोली नहीं, पर जाह्नवी की फ्रेश एक्सप्रेशन से ही समझ जाती है बरखा की वो क्या सोच रही है। इधर जाह्नवी एकदम से बोलती है ये क्या मेरी मन की बात पड़ रही है, कोई कोई जादू टोना तो ना आती इसको, भाई साहब तो दूरी बना के रहनी पड़ेगी। तो वो एकदम से वो बैठ जाती है और कशिश को बोलती है मुझे ना डाउट हो रही है, ये कोई मतलब जादू टोना की पावर तो नहीं है इसमें, मेरी मन की बात कैसे पड़ रही है। कशिश उसके माथे पर टपरी मारती है, बोलती है पागल चुप रह तू और इतना दिमाग मत लगा, बढ़िया ही बोल दिया कि पार्टी में जानी है, पढ़ाई नहीं करनी है। बोलती है अरे पढ़ाई एक दिन फ्री हो जाएगी तो क्या हुई हो जाएगी, मैम को बोल देंगे कि दोस्त की बर्थडे मतलब बहन की बर्थडे पार्टी है हम दोनों जाएंगे, क्या मतलब है, मैं बात कर लूँगी ना। तभी कशिश बोलती है वाह तू बात कर लेगी, बोलती है हाँ नहीं तो क्या, अब तू बोल नहीं पाएगी तो मैं किस काम आऊँगी, मैं बात कर लूँगी, थोड़ी बहुत बात वगैरह होता है, इन लोगों का लेक्चर वगैरह प्रॉपर हो जाते हैं, ब्रेक टाइम होता है, ये लोग ब्रेक टाइम पे लंच करने जाते हैं। तो जैसे लंच करने जाते तो स्नेहा फिर से आती है अपनी बॉक्स वगैरह लेके और आके वो एकदम से वहाँ पे बैठने लगती है कि जो थी जाह्नवी वो बोलती है क्यों आई हो यार, वो आज भी मम्मी ने लड्डू भेजी है तुम्हारे लिए। तभी एकदम से जो जाह्नवी वो बोलती है कि देखो ये लड्डू वगैरह से ना कुछ नहीं होती, मुझे नहीं खानी लड्डू, देखो और उस दिन लड्डू खाने के बाद जो ना मेरी पेट दुखी ना, अब तो कोई लड्डू वगैरह खाऊंगी ही नहीं, मैं प्राण ले ली मैंने। तभी एकदम से स्नेहा बोलती है यार सॉरी ना, नाराज़ ना रहो। और तभी बरखा भी आती है और बरखा आते हुए देखती है कि स्नेहा जो है वो जो है बॉक्स पकड़ के खड़ी हुई है। और इधर जैसे ही जाह्नवी ये देखती है कि बरखा आ गई है तो वो क्या करती है, एकदम से नेहा के हाथ से बॉक्स लेती है और एकदम से एक लड्डू लेके खा लेती है, बोलती है हाँ यम्मी है, आ थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तभी एकदम से स्नेहा थोड़ी सी शॉक थी कि ये तो मना कर रही थी, और बरखा एकदम से घूरते हुए देखती है जो है जाह्नवी को। उधर से स्नेहा बोलती है कि यार सॉरी ना, तो जाह्नवी बोलती है अरे कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन, अब तुम जाओ अपना खाना खाओ, हम बाद में बात करेंगे अकेले में। जैसे ये बात बोलती है ये भी बरखा सुनती है और वो आके अपनी सीट पे बैठ जाती है। जो कशिश है वो खाना खा रही थी पर उसकी नज़र नित्या की ओर थी, नित्या वाकई में टेंस लग रही थी। दृष्टि मैम भी पूछती है पर नित्या कुछ बताती नहीं है। देखते देखते लंच आवर ख़त्म होते हैं, लंच आवर ख़त्म होने के बाद जो है अब ये लोग जाने की वक्त हो जाते तो ये लोग घर की ओर चले भी जाते हैं। घर की ओर जैसे चलते हैं नित्या की कॉल एकदम से आती है, नित्या कॉल करती ही कशिश को बोलती है कि वो कशिश थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सिरदर्द है, मैं आज आऊँगी नहीं। और कहीं ना कहीं कशिश भी ये बोलने वाली थी कि हम आज पार्टी में जा रहे हैं, तो कशिश एकदम से बोलती कि क्या हो गई है, बोलती कुछ नहीं बस सिरदर्द है, मैं बाद में बात करती हूँ ठीक है। तो कशिश भी एकदम से बोल पड़ती है वो हम पार्टी में जा रहे हैं। तभी एकदम से नित्या बोलती है हाँ इंजॉय करो बाद में बात करते हैं। तो आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते कि आखिरकार पार्टी में क्या होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइज़।